तो अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वह है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका पिछले अध्याय में हमने क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में पढ़ा था उनके उदय के बारे में पढ़ा और उनकी आकांक्षाओं और प्रभाव का भी अध्ययन किया इस अध्याय में हम उसे लोकसभा चुनाव या राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो विषय है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका तथा गठबंधन की राजनीति इस गठबंधन की राजनीति का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं और एन और यूपीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये इन गठबंधनों का भी जिक्र किया इसके साथ ही हमने संयुक्त मोर्चा रामो वामो अर्थात राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा इन गठबंधनों के बारे में भी समझा कुछ गठबंधन तो ऐसे थे जिसमें 24-24 दल थे और मुख्य पार्टी एक लेकिन बाकी दल एक दो एक दो सीट लेकर उस मुख्य पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के काबिल करते हैं उन्नीस के बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय दलों का उफान उनका आना सन पचासी के बाद चौरासी में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है राजीव गांधी सरकार बनाते हैं और वहाँ से शुरू होता है गठबंधन का खेल और लगभग नब्बे आते आते ये गठबंधन अपने उस रूप में सामने आ जाता है जिसमें वह सत्ता के काबिज होने लगता है तो पचासी याद रखिए उन्नीस के बाद हम मानते हैं गठबंधन की राजनीति सामने आती है क्षेत्रीय दल प्रमुखता से सामने आते हैं और इन क्षेत्रीय दलों में बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना बामसेफ के संस्थापक कांशी राम ने की थी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में असम में असम गण संग्राम परिषद पंजाब में अकाली दल लोंगोवल लोंगोवल एक नेता थे उनके नाम से ये पार्टी आई थी तो अकाली दल लोंगोवल और दूसरी थी अकाली दल मान पंजाब में उसके बाद सिक्किम में नर बहादुर भंडारी सिक्किम संग्राम परिषद और मिजोरम में लाल डेंगा, उनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एम एन एफ तो आप पूरे नक्शे में देखिए कि उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी पकड़ अपने उस क्षेत्र में काफी मजबूत थी ये सामने आती हैं शक्तिशाली हैं जनता तक इनकी पहुंच है उन्नीस का जब चुनाव आता है तो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाती है और सरकार बनाती है सत्ता पर काबिज होती है कौन शिवसेना उन्नीस सौ चौरानबे उन्नीस सौ चौरानवे में ही आंध्र प्रदेश में एंटी रामा राव उनकी पार्टी जो क्षेत्रीय थी जिसका नाम था तेलुगु देशम एन टी राव की क्षेत्रीय पार्टी एन टी राव एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार थे तेलुगु भाषा के उन्होंने इस दल की स्थापना की थी तेलुगु देशम और उसे भारी बहुमत मिलता है दो तिहाई मत मिलते हैं उसे स्थानीय चुनाव में स्थानीय से मेरा मतलब विधानसभा के चुनाव में और दो तिहाई बहुमत के साथ तेलुगु देशम सत्ता में आती है आंध्र प्रदेश में रामाराव राव बाद में भी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं पर ज़्यादा समय पर सत्ता में नहीं रहते और उनके जो दामाद हैं जो आज जिनम चंद्रबाबू नायडू वे राज्य के नए और जो तेलुगु देशम है उसमें दो फाड़ हो जाता है तेलुगु देशम नायडू ग्रुप तेलुगु देशम वैसे ही क्षेत्रीय पार्टी थी एंटी रामाराव के द्वारा स्थापित उनकी मृत्यु के बाद उस वह पार्टी टूटती है और उसके दो टुकड़े होते हैं और एक टुकड़े का नेतृत्व उनके दामाद करते हैं चंद्र बाबू नायडू और वे सरकार बनाते हैं रामाराव इससे बड़े खिन्न हो जाते हैं और उनका देहस्थान हो जाता है रामाराव की विधवा फिर पार्टी बना आ, पार्टी का नेतृत्व करती है जो रामाराव की मूल पार्टी थी लेकिन छियानबे के चुनाव में नायडू ग्रुप को सफलता मिलती है और रामाव गुट जो है वह वैसे ही दृश्य से गायब हो जाता है राजनीति पटल से गायब हो जाता है जैसे कांग्रेस ओ कांग्रेस संगठन का हुआ था पूरी तरह से रामाराव की पत्नी का वह तेलुगु देशम दल जिसके संस्थापक एन टी थे उसका सफाया हो गया यह हुई कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की बात केंद्र में एच डी देवगौड़ा को चंद्र बाबू नायडू का समर्थन मिलता है अब देखिए चंद्र बाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वह भी एक क्षेत्रीय पार्टी के एक धड़ के नेता एक क्षेत्रीय पार्टी के टूटे हुए धड़ के नेता वे अब समर्थन देते हैं केंद्रीय सरकार को और इस प्रकार केंद्रीय सरकार को बहुमत दिलाने में सहायक होते हैं यहाँ देखिए इस बात को साबित करने का प्रयास है कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियाँ अब किंग मेकर की स्थिति में आ गई है तमिलनाडु कांग्रेस ई तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस ई के अध्यक्ष नरसिम्हा राव द्वारा अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करने से क्षुब्ध होकर विद्रोह कर दिया किसने तमिलनाडु कांग्रेस ई ने यानी कांग्रेस ई का ही एक जो कांग्रेस का दल जो था तमिलनाडु में वह अपने नेता के विरोध में अब अलग हो जाता है इसमें जी के मूपनार और पी चिदम्बरम थे जो एक नई कांग्रेस बनाते हैं तमिल मनीला कांग्रेस इस दल ने एम करुणानिधि वाली द्रमुक के साथ चुनाव गठबंधन किया और सफलता पाई द्रमुक के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन एक क्षेत्रीय पार्टी का दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन डीएमके का तमिल मनीला कांग्रेस के साथ गठबंधन तमिल मनीला कांग्रेस वही जो कांग्रेस ई से टूट कर बाहर आई थी और यही तमिल मनीला कांग्रेस केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार को समर्थन देती है उसे बहुमत में लाने की स्थिति में आती है तमिल मनीला कांग्रेस दूसरे अर्थ में दूसरे शब्दों में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र में तो प्रभावशील थी ही अपने अपने राज्यों में प्रभावशील थी ही लेकिन इसके साथ ही साथ केंद्र में भी इनकी तूती बोलती थी केंद्र की सरकार की स्थिरता में इनका बहुत अहम रोल हुआ करता था उस समय इस काल में जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं जब गठबंधन की सरकारों का दौर चला तेलुगु देशम तमिल मनीला कांग्रेस उसके बाद द्रमुक जिनका सहयोग केंद्र की सरकारें लेती हैं जिनका समर्थन अपने को बहुमत में लाने के लिए उसके बाद हम मुड़ते हैं अकाली दल की ओर यानी पंजाब की राजनीति में पंजाब में अकाली दल के दो टुकड़े होते हैं और उसमें से एक टुकड़ा होता है अकाली दल बादल अकाली दल बादल ये ज्यादा मजबूत बन के सामने आता है हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरती है ये वही चौधरी बंसीलाल थे जो किसी समय में कांग्रेस ई के एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे वहाँ की राजनीति में इनको जब कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में जब इनको लगा कि इनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई क्षेत्रीय पार्टी बनाई और उसका नाम दिया हरियाणा विकास पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में ये पार्टी सामने आती है जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी बिहार में सामने आती है इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक आर असम गण परिषद मुस्लिम लीग नागा नेशनल कॉन्फ्रेंस मिजो नेशनल फ्रंट ऑल पीपल्स हिल लीडर कॉन्फ्रेंस मेघालय सिक्किम गण परिषद सिक्किम तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल आम आदमी पार्टी दिल्ली राष्ट्रीय जनता दल बिहार समता पार्टी बिहार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बीजू जनता दल उड़ीसा ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय दल सामने आते हैं और आप देखते देखते जाइए नक्शे में कि लगभग सभी राज्यों में अब एक क्षेत्रीय पार्टी कम से कम ऐसी है जो अपना वजूद जो अपनी उपस्थिति मजबूत उपस्थिति का आभास कराती है और केंद्र में राष्ट्रीय पार्टियां जो सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हैं वो अब इन क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के लिए भरसक कोशिश करती हैं क्षेत्रीय पार्टियों से समर्थन पाने के लिए भरसक कोशिश करती हैं और ऐसा करते हुए वे स्वयं क्षेत्रीय पार्टियों के आ, और आगे उभार में एक तरीके से मदद भी करती हैं क्योंकि जब क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों का या केंद्र की सत्ता का केंद्र की सरकार का वरद हस्त मिला हुआ है तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियाँ और आगे विकसित तो होंगी ही तो इस प्रकार ये एक तरीके से गिव एंड टेक की नीति के तहत दोनों के फायदे की बात थी कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को समर्थन देकर केंद्र की सत्ता में भी हाथ बटा रहे थे और केंद्रीय सरकार की मदद अपने दल के तहत अपने राज्य के विकास में उनकी ले रहे थे भारत जो है वो बड़ी क्षेत्रीय भावनाओं का देश है हर क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं हैं हर क्षेत्र की अपनी अपनी संस्कृति है आदि आदि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीयता की भावना आज़ादी के बाद बढ़ने लगती है ये क्षेत्रीयता की बात ही थी जिसके कारण राज्यों के पुनर्गठन का मामला मुद्दा सामने आता है राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे हो भाषाई आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, भौगोलिक आधार पे, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पे आदि आदि और अंततः फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है और सांस्कृतिक परंपराएं इनको ध्यान में रखकर राज्यों का निर्माण होता है यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीयता की भावना को परिलक्षित करता है और ये धीरे धीरे ऐसी भावना बढ़ रही थी राज्यों की स्थापना के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना के बाद तो ऐसी भावना और प्रबल हो चली थी लेकिन 1990 के पहले एक और 1990 के बाद में एक अंतर है वैसे तो क्षेत्रीय राजनीति स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू थी ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी लेकिन 1990 के पहले की क्षेत्रीय राजनीति और 1990 के बाद की राजनीति में एक अंतर हम पाते हैं और वो अंतर क्या है कि 1990 के बाद गठबंधन की सरकारों का जो क्रम हुआ वो कुछ बदला था 1990 के पहले क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति में ही अपनी भूमिका निभाते थे 1990 से पहले क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति में ही अपने ही राज्य में अपने ही क्षेत्र में राजनीति करते थे वहीं की सत्ता पाने का प्रयास करते थे सत्ता पाते थे और वहीं तक अपने को सीमित रखते थे लेकिन 1990 के बाद जब गठबंधन की सरकारें शुरू होती हैं केंद्र में तो गठबंधन की सरकारों का जो क्रम आरंभ हुआ तो इस गठबंधन में कौन थे यही क्षेत्रीय सत्रह ही तो थे उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय भूमिका अब निभाने लगे 1990 के पहले वे राज्य भूमिका क्षेत्रीय भूमिका में थे वही क्षेत्रीय दल अब गठबंधन की राजनीति का वर्चस्व होने से गठबंधन की राजनीति का क्रम चलने से अब यही क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर अब अपनी भूमिका निभाना शुरू करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना प्रारंभ करते हैं हम आज की बात करें तो केंद्र के दोनों बड़े गठबंधन जो हैं चाहे वो एन हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है या संयुक्त तो प्रगतिशील गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है इसमें क्षेत्रीय दलों की बहुत अहम भूमिका है और दोनों ही गठबंधनों में लगभग 20-24 के आसपास के दल शामिल हैं यदि मैं 1919 की बात करूं, तो 1919 में जो एनडीए गठबंधन था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन उसमें सैतीस दल थे थर्टी सेवन एक गठबंधन में थर्टी सेवन कल्पना करिए कितना बड़ा गठबंधन कितने विचारों वाला गठबंधन कितने विरोधाभासी विचारों वाला गठबंधन क्योंकि जितने दल हैं उनके सबके अपने अपने एजेंडा हैं उन सब की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं उन सब की अपनी अपनी आकांक्षाएं और एस्पिरेशंस हैं और उन सब के अपने अपने मुद्दे हैं इन सब को साधते हुए एक गठबंधन को ले चलना एक बहुत अहम काम है गठबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये तो अब तक आप समझ गए होंगे अपने दल को सत्तासीन कराने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ती है यदि किसी एक दल को जैसे हमने अध्ययन करते हुए देखा कि कई बार कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली लेकिन बहुमत से कम दो से कम ऐसी स्थिति में दो की वो मैजिक संख्या जादुई अंक को पाने के लिए जरूरी है कि यदि उसे 200 मिली है और दो करना है तो बहत्तर सीटों में के लिए उसे अन्य दलों की ओर झुक जाना पड़ता है और इस प्रकार अन्य दलों को लेकर वह अपनी संख्या टोटल दो बनाए ऐसे ही भाजपा ने भी किया कभी उसको एक सीट मिली कभी 220 मिली कभी 250 मिली तो दो करने के लिए उसे अन्य दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है जिनकी एक दो तीन चार पाँच ऐसी सीटें लोकसभा में जिनकी हैं और इस जोड़ तोड़ में कुछ समय लगता है कुछ समझौते होते हैं कुछ साझा कार्यक्रम बनते हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनते हैं आदि आदि तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो डेमोक्रेटिक अलायंस है उसमें सैंतीस दल हैं शिवसेना लोक जनशक्ति पार्टी शिरोमणि अकाली दल जनता दल यूनाइटेड ए आई ए डी एम के डीएमके ए अपना दल आदि आदि आर एस पी शिव संग्राम न जाने कितने जेके एल एफ कुल मिलाकर जे के पी एफ कुल मिलाकर सैंतीस दलों का ये गठबंधन है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दल जिसे हम यू पी ए का गठबंधन कहते हैं उसमें कितने लोग हैं अट्ठाईस दल हैं सैंतीस बनाम अट्ठाईस दलों का गठबंधन और यदि यूपीए की बात करें तो उसके मुख्य दलों में एनसीपी, राजद लोजद डीएमके, एमडीएमके, केरल कांग्रेस आदि आदि हैं। उन्नीस में शिवसेना यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा उन्नीस में शिवसेना एनडीए के साथ थी एनडीए के गठबंधन में थी लेकिन चुनावी राजनीति के माहौल में शिवसेना ने चुनाव के बाद अपने को एनडीए के गठबंधन से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रखा ऐसी कई पार्टियां हैं जो चुनाव के समय गठबंधन करती हैं और चुनाव के बाद बदलती परिस्थिति में शायद गठबंधन से अलग भी हो जाती हैं उसी प्रकार ऐसी कई पार्टियां हैं जो चुनाव के समय भी गठबंधन नहीं करती लेकिन बदलती परिस्थितियों में परिणामों को देखकर गठबंधन में शामिल हो जाती हैं चाहे वो यूपीए गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो तो गठबंधन की राजनीति अवसर की राजनीति है गठबंधन की राजनीति सत्ता पाने के लिए होती है गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है सत्तासीन होने का प्रयास सरकार बनाने का प्रयास दो की संख्या को पाने का प्रयास वही गठबंधन है अभी जो उन्नीसवा लोकसभा चुनाव है हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ तीन सीटें मिली और उसके जो अन्य सहयोगी दल हैं, उनको समझ लीजिए सत्तर अस्सी सीटें और मिली जब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर स्वयं दो सौ बहत्तर से ज्यादा सीटें पाली है तो ऐसी स्थिति में वह अपने गठबंधन के अन्य दलों की परवाह किए बिना अपने विचारों को लाद सकती है आप समझ गए इस बात को? क्योंकि पार्टी के पास, के पास, पास स्वयं अपना बहुमत है, 303 सीटों के साथ यदि गठबंधन के उसके एनडीए गठबंधन के बहुत से दल पार्टी छोड़ते भी हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही सरकार चलाने में सक्षम है और इसीलिए हम कहते हैं वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार बहुत मजबूत है मजबूत का तात्पर्य क्या है कि उसे अपने बल पर शासन चलाने के लिए पर्याप्त सीटें मिली हुई हैं पर्याप्त जनादेश मिला हुआ है इसके विपरीत यदि बीजेपी को 200 सीटें मिलती हैं जैसे 220 सीट मिली थी किसी समय तो उसे दो करने के लिए बची हुई सीटों के लिए दूसरे दलों पर निर्भर होना पड़ा और ऐसी स्थिति में दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी से अपनी अपनी मांगें रख रहे थे अपनी अपनी शर्तें रख रहे थे और उस हद तक जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो उस हद तक कमज़ोर थी अपनी निर्भरता के कारण अन्य दलों पर अपनी निर्भरता के कारण तो अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि गठबंधन की राजनीति क्या है और कितनी भारी संख्या में भारत में दल हैं ये तो सैंतीस धन अट्ठाईस हुए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इसके अलावा सौ से ज़्यादा दल और हैं जिन्हें संभवतः लोकसभा में सीटें नहीं मिली और उसके अलावा निर्दलीय अलग तो इस प्रकार बहुत भारी संख्या में भारत में विचारों की स्वतंत्रता के तहत लोगों को अपना राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है एक चार्ट इसे भी देखें यह चार्ट है उन्नीस से अब तक लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल क्या स्थिति रही है सन नवासी से अभी तक और आप इसमें देखेंगे कि धीरे 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 क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है या घटते बढ़ता रहता है लेकिन कुल मिलाकर उसमें वृद्धि ही हुई है सर नवासी के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को देखिए एक सीट मिलती है और लगभग 40 प्रतिशत मत मिलते हैं उनचालीस दशमलव पाँच वहीं भाजपा को पचासी सीटें मिलती हैं और मत का प्रतिशत रहता है मात्र 11 कितना मात्र 11 अब आप देखिए कांग्रेस और भाजपा को ही क्रमशः यदि आप आगे देखते जाएं तो कांग्रेस की स्थिति एक दो सौ चवालीस एक आदि आदि और सन 2009 के चुनाव में आप देखेंगे तो उसे 266, 206, 206 सीटें मिली 116 भाजपा को मिली 206 सीटों के लिए उसे मात्र 28.5 प्रतिशत मत मिले मैं पुनः दोहराता हूं कांग्रेस को 2009 के चुनाव में 206 सीटें मिली लेकिन मतों का प्रतिशत था अट्ठाईस वहीं आप उन्नीस में देखिए उसे 10 सीटें कम मिलती हैं एक लेकिन मतों का प्रतिशत था उसका उनचालीस वहीं दूसरी ओर भाजपा की स्थिति आप देखेंगे कि भाजपा को किसी समय 25.5 प्रतिशत वोट मिले और एक सीटें मिली ये बात है उन्नीस की लेकिन भाजपा को जब पचासी सीटें मिली तो ग्यारह दशमलव तीन प्रतिशत वोट मिले थे अन्य दलों की स्थिति भी कमो बेश इसी प्रकार है सीपीआई सीपीएम जनता दल सभी राष्ट्रीय दल अब यदि हम सभी राष्ट्रीय दलों की बात करें तो सभी राष्ट्रीय दलों को कुल मिलाकर 421 सीटें मिली 543 में उन्नीस में चार सौ इक्कीस सीटें उसे तब मिली जब मतों का प्रतिशत उसके पक्ष में उन्यासी दशमलव तीन था उन्यासी दशमलव तीन में उसे चार सौ इक्कीस मिलता है और वहीं मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को सत्ताईस सीटें मिलती हैं और वोटों का प्रतिशत रहता है मात्र नौ देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं मत मत और सीटों की संख्या का जो कोई संबंध ना होने का स्पष्ट उदाहरण है क्षेत्रीय दलों को नवासी नब्बे के चुनाव में 27 सीटें मिलती हैं वोटों का प्रतिशत रहता है नौ वहीं 2009 में उसे 146 सीटें मिली जबकि वोटों का प्रतिशत है मात्र 14, चार प्रतिशत वोट बढ़ने से पाँच प्रतिशत वोट बढ़ने से उसकी सीटों में करीब करीब पाँच गुना इजाफा हो गया ये बहुत बड़ा इजाफा है और वो इसलिए क्योंकि उसे कई जगहों में एक मुश्त वोट मिले जैसे मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया जैसे मैंने पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दिया तमिलनाडु में जहाँ ए आई ए डी एम को के सैंतीस सीटें मिली थी एक चुनाव में ममता बनर्जी के दल को तृणमूल कांग्रेस को जहाँ चौंतीस सीटें मिल गई थी एक मुश्त ये इस संख्या को बढ़ा देती हैं तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है सभी राष्ट्रीय दलों को मैं एक बार और आपको बता दूं सभी राष्ट्रीय दलों को उन्नीस के चुनाव में चार सीट मिलती है और मतों का प्रतिशत रहता है 79.3। वहीं 2009 में उसे तीन सीट मिलती है और मतों का प्रतिशत रहता है तिरसठ दशमलव पाँच मतों के प्रतिशत से अभिप्राय है जितने मत डाले गए उनका प्रतिशत मतदान का प्रतिशत अलग और मतों का प्रतिशत अलग होता है मतदान का प्रतिशत अर्थात 100 मतदाताओं में जिनका नाम सूची में है कितने लोग मतदान देने आए वह मतदान का प्रतिशत और फिर जितना मतदान हुआ उसमें कितने मत किस दल को गए उसका प्रतिशत कहलाएगा मतों का प्रतिशत तो ये दोनों में आप अंतर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें ये जो आंकड़े हैं ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों की एनालिसिस पे इन आंकड़ों के परिणामों पर किसी तरह का बिना प्रश्न चिन्ह उठाए हम इन आंकड़ों को फेस वैल्यू में ले सकते हैं और उन्हें स्वीकारते हुए इसका अध्ययन करते हुए कई अहम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं चौदहवीं लोकसभा चुनाव में जैसा मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी को अच्छी संख्या मिली थी सत्रहवीं में तो और ज़्यादा स्पष्ट बहुमत जब किसी राष्ट्रीय दल को मिलता है तो क्षेत्रीय दल के प्रभाव में क्षेत्रीय दल की उपयोगिता और उपादेयता में गिरावट होती है उनकी महत्ता थोड़ी कम हो जाती है इसीलिए क्षेत्रीय दल ये भरतक प्रयास करते हैं कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और राष्ट्रीय पार्टियाँ उस हद तक उन पर निर्भर रहें क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों की राष्ट्रीय दलों की निर्भरता क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी फायदेमंद है तो ये इस इस थ्योरी को आप समझ लें कि जैसे राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है तो क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व कम होता है और ऐसे इसके विपरीत कम मिलने पर क्षेत्रीय का ज्यादा महत्व जाता है अब हम आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर राजनीति के सभी मुद्दों पर बात करते हुए किसी भी तरह का अध्ययन अधूरा रहेगा यदि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन ना करें सन अस्सी नब्बे के दशक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और वह क्या है अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय ओ बी सी ये तो आपने सुना होगा और संभवतः हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं यहां बता दूं बी सी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर बैकवर्ड क्लासेस अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि एक अलग कैटेगरी का संकेत मिलता है ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से अलग है इस बात को आप ख्याल रखेंगे ओ बी सी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं आती ये इसकी दूसरी विशेषता पहला तो ये अस्सी नब्बे के काल में इनका उदय इस वर्ग की महत्ता का उदय दूसरा ओ का फुल फॉर्म तीसरी बात ये अनुसूचित जाति जनजाति से अलग है चौथी बात इसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के जिक्र है कौन है इसमें जुड़े हुए ओ में कौन आते हैं शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय जातिया नहीं समुदाय हो सकता है कुछ ऐसी निम्न जाति हो जिसमें जो शैक्षणिक रूप से उसका एक वर्ग बहुत सक्षम है वे ओ में नहीं आएंगे इसका जिक्र हम आगे करेंगे पर अभी आपको ये समझ लेना है कि इसमें कौन लोग आते हैं शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग इसीलिए पिछड़ा वर्ग इनको कहते हैं इसके पहले जो हमने अध्याय पढ़ा उसमें हमने देखा है कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे कांग्रेस का समर्थन कम होते जा रहा था और ऐसे ही में गैर कांग्रेसवाद पनपी गैर कांग्रेसवाद सामने आई और गैर कांग्रेसी दल मजबूत होने लगे ये ये गैर कांग्रेसी दल हैं जिनको इन कम्युनिटीज का इन वर्गों का समर्थन मिला इस तबके का समर्थन मिला अर्थात कांग्रेस को एक अलग तबके का समर्थन था और गैर कांग्रेस दलों को एक अलग तबके का समर्थन था जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं बाद में जिसे पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी गई गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के साथ होती है जनता पार्टी की सरकार ऐसी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो पिछड़े वर्ग के समर्थन से सामने आई थी जनता पार्टी के कई घटक उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो भारतीय क्रांति दल और सोशलिस्ट पार्टी इन लोगों की ऐसी पार्टियां थीं जो जनता दल में मुख्य थी जनता पार्टी में मुख्य पार्टियां थीं लेकिन इनका जो जनाधार था वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा था ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ ज़्यादा थी ग्रामीण इलाकों में ये ज़्यादा ताकतवर थे और ग्रामीण इलाकों से तात्पर्य है ऐसे इलाके जहाँ पिछड़े वर्ग की बहुलता है तो ये आपका छठवां बिंदु हो गया आ, इसके उदय को लेकर पिछड़ा वर्ग की राजनीति के उदय की पृष्ठभूमि में 1980 के दशक में अन्य पिछड़े वर्ग के बीच जो लोकप्रिय राजनीतिक समूह थे जनता दल ने उसने इकट्ठा किया और फिर उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा आता है और राष्ट्रीय मोर्चा मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करता है इससे पिछड़े वर्ग की राजनीति संगठित हो जाती है आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो पिछड़ा वर्ग में आया वो यह था कि उनमें अपने ताकत का एहसास हुआ जब आरक्षण नौकरी के आरक्षण के मुद्दे की बात आई तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई क्योंकि नौकरी में आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद उन्नीस में ओबीसी वर्ग एक पूरे बल्क में एक पूरे गुट में उन सत्ताईस प्रतिशत सीटों के लिए जो उसके लिए आरक्षित की गई थी अपने को अपनी पात्रता पाता है और फिर उसमें प्रयास करता है नौकरी में आरक्षण के मामले पर मैंने जैसा बताया था कि बड़े तीखे वाद विवाद हुए मामला कोर्ट भी गया और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग होता है जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे और इसका फ़ायदा लेना चाहते थे उन्होंने उसका फ़ायदा लिया ऐसी अनेक पार्टियाँ इस दौरान आई जो इस तबके को लेकर चलना चाहती थीं, जिन्होंने शिक्षा और बेरोज़गार के क्षेत्र में नए नए अवसर उपलब्ध कराने की मांग की अवसर दिलाने की मांग की यानी ये काल ऐसा काल है जब पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया पिछड़ा वर्ग का विकास पिछड़े वर्ग का उद्धार ये इस काल में किसी भी दल के राजनीतिक एजेंडे का एक मुख्य अंग था और जैसे पूर्व में हमने देखा इंदिरा गांधी ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था फिर कुछ और नारे अलग अलग चले जैसे वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध जो सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास ऐसे ही इस काल में 80 और 90 के दशक में हम देखते हैं कि अधिकतर पार्टियां शिक्षा और रोजगारोन्मुख बिंदुओं पर ज्यादा सजग थी और इसका फायदा उनको मिला क्योंकि ओबीसी उनकी तरफ खींचे इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक हिस्सा बहुत बड़ा है और इसीलिए सत्ता में भी इन्हें प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलने की ज़रूरत है इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा शासन में उचित प्रतिनिधित्व और ऐसे ही सत्ता में उचित मौजूदगी इन सब में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए ऐसा होने पर ही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही मानेंगे और मानेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्थायी लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे किन किन मुद्दों को लेकर और किस प्रकार 1980 के दशक और उन्नीस आते आते अन्य पिछड़ा वर्ग और या ओ कितना अपनी अहमियत को बना बैठता है और भारत के राजनीतिक पटल पर अपना एक निर्दिष्ट स्थान बनाने में सक्षम हो जाता सफल हो जाता भारतीय राजनीति जिसका दायरा 122 करोड़ की जनता जनसंख्या में है जिसका दायरा इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में है जिसे हम भारत कहते हैं उसकी राजनीति इस मामले में बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि भारतीय या भारत विविधता का देश है विविध परंपराएं, विविध भाषाएं, विविध संस्कृति विविध इतिहास आदि न जाने क्या क्या इसके राजनीतिक पहलू को उतना ही कॉम्प्लेक्स जटिल बना देते हैं जितना कि कोई अन्य पहलू हो भारतीय राजनीति की जब बात करते हैं तो उन 122 करोड़ लोगों की बात करते हैं जो भारत के नागरिक हैं और उन 122 करोड़ लोगों में जो पात्रता रखते हैं उनकी संख्या भी स्वयं पचहत्तर अस्सी करोड़ के आसपास है इस पचहत्तर अस्सी करोड़ में समाज के सभी तबके के लोग हैं चाहे वो आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग गरीब चाहे वे बहुत शैक्षिक हों या बिल्कुल अनपढ़ हों चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हों किसी भी उपजाति के क्यों ना हों किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार क्यों ना कर रहे हों इन सब को मतदान का अधिकार है देश की राजनी राजनैतिक प्रक्रिया में एक नागरिक के नाते शामिल होने का अधिकार है आप सोच सकते हैं कि इस विशालता में इस विविधता में जितने प्रकार के सामाजिक वर्ग हैं उनके उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना और सुनिश्चित करना कि समाज के सभी तबके को इस राजनीतिक प्रक्रिया में संसदीय व्यवस्था में शासन व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिले तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा जितना ही ज्यादा इसका विशाल दायरा होगा पहुंच होगी उतना ही हमारा लोकतंत्र सक्षम रहेगा इसी प्रक्रिया में हमने अभी तक पढ़ा विभिन्न लोकसभा के चुनाव और उन चुनावों के पूर्व हमने समझने की कोशिश की कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया कैसी है उसके क्या क्या पहलू हैं